विधानसभा चुनाव बेहद ही नजदीक आ चुके हैं। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने हैं और सभी स्टार प्रचारक पूरे दमखम के साथ जनता से जनसंवाद करने की कोशिश कर रहे हैं और इन स्टार प्रचारकों में सूची में नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर मंगलवार को हमला करते हुए कहा कि उन्होंने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए काम नहीं किया है। कांग्रेस ने सिर्फ अपने लोगों को ही आगे बढ़ाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में सीधी में कहा कि कांग्रेस ने उन्हीं को आगे बढ़ाया जो कि दिल्ली दरबार में हाजिरी लगाते थे। एससी एसटी और ओबीसी के प्रभावशाली नेता को कभी नहीं उभरने दिया। इसी की दरबारी मानसिकता के कारण सुबह और शाम मोदी को ही गाली देते थे। नरेंद्र मोदी को गाली देते देते ओबीसी समाज को गाली देने लगे। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी सहित अन्य विपक्षी दल जातिगत जनगणना की मांग करते हुए कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने ओबीसी वर्ग के लिए कुछ नहीं किया है। पीएम मोदी ने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस का इतिहास डगर डगर पर झूठ बोलने का रहा है। उन्होंने कहा, कांग्रेस ने हमेशा ही गरीबों, महिलाओं और युवाओं से झूठ बोला और किसानों से भी कर्ज माफी का झूठा वादा किया। दावा किया कि वही बीजेपी सरकार जो कहती है वो हम डंके की चोट पर पूरा करके दिखाते हैं। हाल ही में वही कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद राहुल गांधी ने कहा था कि हम बिहार में हुए जातिगत सर्वे की तरह कांग्रेस शासित राज्यों को आगे बढ़ाएंगे और हमारे 4 में से 3 सीएम ओबीसी समाज से ही आते हैं। उन्होंने आगे जातिगत जनगणना की मांग करते हुए कहा था कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इन सभी मुद्दों पर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस सरकार पर हमला बोला है और लगातार उनके लिए अपने विचार भी रखे हैं। देखने वाली बात ये होगी कि चुनाव आते आते और कितना ज्यादा गर्मा गर्मी का माहौल राजनीतिक सफर में होने वाला है। तमाम बड़ी खबरों पर हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे, लेकिन तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।